क्राउन जूल में मेरा भाई तुझे बुरी तरह हराएगा रोमन। जैक पॉल ने क्राउन जूल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री मार कर दिया लॉगन पॉल का साथ। ट्राइबल चीफ को धमकी देकर बोला, अब मैं खड़ा हूँ अपने बड़े भाई के साथ, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। दोस्तों आज रात 9:30 सोनी 10.1 और सोनी 10.3 पे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट हमें लाइव देखने को मिलेगा, जिसका मेन इवेंट होगा रोमन रेंस और लॉगन पॉल के बीच होने वाला अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। लेकिन इससे कुछ ही घंटों पहले एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहले ट्राइबल चीफ ने एंट्री मारकर फैंस को एक्नॉलेज भी कहा, इतने में लॉगन पॉल ऊंट की सवारी करते हुए आए। इन दोनों के बीच शुरुआत में काफी कहासुनी हुई। ट्राइबल चीफ लॉगन से बोले कि बेटा, तू जब यूट्यूब पे वो बकवास से व्लॉग्स बनाया करता था, तब से मैं सऊदी अरेबिया को एंटरटेन कर रहा हूँ, तू अभी मुझे एक्नॉलेज करके मेरा धन्यवाद कर। जवाब में लॉगन पॉल रोमन का मजाक उड़ाने के बाद बोले कि आप लोगों ने रसलमीनिया में मुझे मिस्टीरियोस को हराते हुए, वहीं समर स्लैम में मिस को हराते हुए देखा, और अब क्राउन जूल में आप सभी मुझे ट्राइबल चीफ को हराते हुए देखोगे। रोमन, तूने बतौर चैंपियन बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हर एक अच्छी कहानी का अंत होता है, और तेरा अंत मैं करूंगा अपने एक लकी पंच से। एक मुक्के में तुझे ढेर कर डालूंगा, जैसा मैंने कुछ हफ्तों पहले स्मैकडाउन में तेरे भाई जय उसो के साथ किया था। फिर माइकल कॉल ने लॉगन से पूछा कि क्या तुम्हारे पास ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ने के लिए कोई बैकअप है, तो सबको शॉक करते हुए यूट्यूब सेंसेशन ने अपने छोटे भाई जैक पॉल को इंट्रोड्यूस किया। रोमन काफी गुस्से में बोले, ये एक चूजा क्या कम था जो दूसरा भी आ गया, मैं बहुत मारूंगा इन दोनों को। लेकिन वाकई में जैक पॉल के आते ही माहौल में गर्मी आ गई थी। जैक बोले कि जिस तरह मैंने कुछ दिनों पहले एंडरसन सिल्वा को बॉक्सिंग मैच में हराया, उसी तरह मेरा भाई भी कुछ घंटों बाद रोमन रेंस को हराएगा। याद कर पॉल हेमन, जब तूने झूठ बोला था कि एंडरसन सिल्वा मुझे नॉकआउट कर देगा, पर हुआ क्या, मैंने उसे हरा डाला। जवाब में हेमन बोले, बधाई हो, अच्छा सरप्राइज था, लेकिन ट्राइबल चीफ चाहे तो अभी यहाँ खड़े खड़े तुम दोनों को धो डाले। जैक बोला, यही खड़े हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। डोरेमोन बोला, अभी नहीं ट्राइबल चीफ, तुम दोनों को कल स्मैश करेंगे जब उन्हें इसके पैसे मिलेंगे, पर अभी तुम ब्लड लाइन को संभालो। इतने में उसोस और सोलो सिकोवा की एंट्री हुई। अब क्योंकि यहाँ सैमी जैन नहीं थे, तो फैंस वी वांट सैमी के चैंट्स करने लगे। जवाब में रोमन बोले कि तुम लोग सैमी को डिजर्व नहीं करते, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। तो अब ये पक्का हो चुका है कि क्राउन जूल में लॉगन पॉल का साथ देने के लिए जैक पॉल भी मौजूद होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा रोमन रेंस और लॉगन पॉल के बीच होने वाला ये बड़ा मैच, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।